10 ऐसी बेस्ट SEO सेटिंग्स एंड टिप्स जो आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप Shopify पर अपना स्टोर रन करते हो। हेलो गाइस, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल नॉलेजेबल होने वाली है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट लेवल पे हो, सभी को ये टिप्स और सेटिंग्स पसंद आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे ये 10 बेस्ट SEO सेटिंग्स एंड टिप्स के बारे में। जो आज हमारी फर्स्ट जो टिप सेटिंग्स है वो है हमारी प्रेफरेंस के टैब में आपको मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद प्रेफरेंसेस पे आना है। उसमें आपको पहले ही सेटिंग यहाँ मिल जाएगी टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ स्किप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं SEO की, या यूँ कहें कि एक आपका जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके फ्रेंडली बनाने के लिए अपने वेब, तो ये जो सेटिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। SEO तो ये आपका करती ही है, साथ में जो आपके प्लेटफॉर्म है उनकी जो AI है वो आपकी वेबसाइट को एक लेजिट वेबसाइट की तरह देखते हैं या समझते हैं। द टाइटल एंड द मेटा डिस्क्रिप्शन हेल्प डिफाइन हाउ योर स्टोर शोज अप ऑन सर्च इंजन। राइट गाइस, तो सर्च इंजन में आपका स्टोर किस तरह से दिखेगा उसके लिए ये सेटिंग्स है, टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये आपका होम पेज टाइटल है। ठीक है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइज, इसको ज़रूर ध्यान से अपने स्टोर पे आप करिए। इसमें देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड रिच अपना टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, कीवर्ड रिच मतलब कि अभी जो मेरा स्टोर का नीच है और जो उसका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपने लिए कुछ कीवर्ड फाइंड करे हैं। वो आप गूगल से भी कर सकते हैं, गूगल सजेस्टेड कीवर्ड्स आते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं और किसी कीवर्ड प्लानर से भी आप अपने कीवर्ड ले सकते हैं जिसका वॉल्यूम, जिसकी एटलीस्ट 3000 से ऊपर की सर्चेज हों पर मंथ की, वो कीवर्ड आप यहाँ पे अपने इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना पहला लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल दिया है, बेस्ट लेटेस्ट लेडीज़ फुटवेयर्स। ठीक है, और ये सेकंड है बाय वुमेन सैंडल ऑनलाइन। तो ये मेरे स्टोर के अकॉर्डिंग भी है और इसमें कीवर्ड भी इंक्लूड है गाइस। तो इस तरह से आपने एक कीवर्ड का यूज़ करिए, बाकी अगर आप कुछ फीचर्स लिखना चाहते हैं वो तो लिखिए। और सेकंड आप है कि इस तरह से इसको फॉर्मेट में लिखिए, यहाँ तक लिखेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे फिर स्टॉप लगा देंगे। तो जो इसका लिखने का स्टाइल है गाइस वो भी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में अपनी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वाली में, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद, आप वो भी चेक करिए। सेकंड हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटा डिस्क्रिप्शन। तो गाइस आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन 320 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपने अपने जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो अपने ओवरऑल स्टोर को ध्यान में रख के लिखना है, जो भी आपका नीच है उसके अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है। जैसे मैंने फुटवेयर्स के बारे में लिखा है तो आप भी अपने हिसाब से अपने स्टोर के अकॉर्डिंग आप जरूर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला कीवर्ड यूज़ कर दिया है बाय विमेन फुटवेयर्स, तो ये एक मेरा कीवर्ड है जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और सेकंड कीवर्ड ये है देखो लेटेस्ट लेडीज़ फुटवेयर्स, तो ये मैंने दो अपने कीवर्ड यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं और अपना एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है और उसमें कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च करके ज़रूर उसमें इंक्लूड करिए। कीवर्ड रिसर्च करने में पूरा एक दिन लगाइए, पर कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। जब आपके पास कीवर्ड्स होंगे तो आपको पता होगा कि बेस्ट कीवर्ड्स कौन से हैं और आप किस तरह से उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके गाइस, जो अब हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आपका अबाउट अस पेज। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा शॉक हो गए होंगे कि ये थोड़ा सा ऑड पॉइंट है, बट ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, अपनी वेबसाइट पे अपने स्टोर पे अबाउट अस का पेज लगाते ही नहीं हैं, जिससे कि वो बहुत कुछ मिस करते हैं, स्पेशली इन SEO में भी और आपके जो FB और गूगल के AIs हैं उनकी नज़रों में भी। तो आपने ये अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, आपने एक अबाउट अस का पेज अपनी वेबसाइट पे ज़रूर से ज़रूर बनाना है। तो कई लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा पेज नहीं लिख सकते, तो मैं आपको कहता हूँ एक आप स्मार्ट कॉपी कर सकते हो। स्मार्ट कॉपी का मतलब ये है कि आप किसी अदर वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कई अबाउट अस मिलता है, तो वहाँ पे जो जहाँ उन्होंने अपनी इमेजेस लगाई वहाँ पे आप अपनी इमेजेस लगा दीजिए। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में लिखा है कि उनका बिजनेस किस तरह से है, उन्होंने किस तरह से लिखा है, ठीक है, उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, विज़न क्या था, मिशन क्या है और किस तरह से वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप आइडिया लेके भी लिख सकते हैं और
आपने अगर आपको खुद ही आप अच्छे हैं थोड़ा लिखने में, आपको पता है कि किस तरह से लिखना है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं और ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ओवर द टाइम इसको करेक्ट और एक अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप अपने एक अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे तो कोई भी जब लैंडर या यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो देखते साथ आपकी मतलब एक लॉयल कस्टमर में वो बदल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ब्रांड जो है ये हमें सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बता रहा है, दिखा रहा है। और इसी तरह से गाइस जो हमारे आज एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं कि कौन सा बिजनेस लेजिट है और कौन सा नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। अगर आप ये चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली गूगल भी आपने सर्च में आपको पुश करेगा। छोटा पैराग्राफ लिखिए, एक इमेज लगाइए उसमें यहाँ पे, ठीक है। यहीं से आप देखिए, मैं यहाँ से पेज पे गया हूँ, ऑनलाइन स्टोर जाके पेज पे, यहाँ पर अबाउट अस का पेज बना दिया है। और यहाँ आप अपना जो भी आपका टेक्स्ट है आप पहले कॉपी पेन पर लिख लीजिए बेशक, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ से आप अपनी इमेजेस उसमें डाल दीजिए। आप अपने स्टाफ की इमेज डाल सकते हैं, आप अपने बिजनेस अगर आपका कोई फिज़िकल स्टोर है तो वहाँ की भी डाल सकते हैं, या कोई आप इंस्पायर्ड फ्रेंड सर्कल है आपका तो वहाँ से डाल सकते हैं, प्रोडक्ट की कुछ इनोवेटिव या कोई यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ में आप डाल सकते हैं, जिससे आपका अबाउट अस बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और सर्च इंजन में तो ये पुश होगा ही होगा। बाकी जो आपके लोग हैं वो भी उनका भी आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट बढ़ेगा। ओके गाइज, आपको अपने स्टोर पर डोमेन ईमेल आईडी का ही यूज़ करना है जो आपके डोमेन से बनी हो, जिसके आगे आप केयर एट द रेट अपना जो आपका डोमेन नेम है .com लगा सकते हैं, या सपोर्ट एट आपका डोमेन नेम .com लगा सकते हैं। इससे क्या होता है गाइस, जब आप अपने डोमेन ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं तो गूगल AI की नज़रों में, या जब वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है तो उसको एक ऑथेंटिकेट वेबसाइट लगती है, लेजिट लगती है। साथ ही आपके कस्टमर्स को भी वो आपका जो वेबसाइट है वो लेजिट लगती है, क्योंकि जब आप अपने डोमेन ईमेल यूज़ करते हैं तो कि ब्रांड बिल्डिंग की तरफ वो इंडिकेट करती है कि ये एक ब्रांड है और जो कस्टमर्स है वो ब्रांड से डील कर रहे हैं। अब गाइस जो सेकंड चीज़ ये है कि गूगल भी अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे अपने कस्टमर्स को कोई भी फ्रॉड नहीं होने देना चाहता, ठीक है। तो वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बिल्कुल सेफ रखना चाहता है और वो इन चीज़ों से डिसाइड करता है कि आपके आपने डोमेन ईमेल आईडी है आपके पास कि नहीं, आपका फ़ोन नंबर प्रॉपरली वहाँ पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और इसी में एक पॉइंट और है, वो ये कि आपको अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का यूज़ करना है गाइस, ठीक है। आप कहीं पे भी लगा दीजिए, चाहे फुटर में आप दे दीजिए, वहाँ पे लिख सकते हो व्हाट्सएप और आगे आप अपना नंबर डाल सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर जनरल में जाएंगे, वहाँ पे आपको पहली सेटिंग यही मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना स्टोर नेम डाल सकते हैं, डोमेन ईमेल आईडी अपने जो भी आपने जहाँ से डोमेन परचेज किया है वहाँ से आप ये अपनी ईमेल आईडी भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है गाइस, पर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। हम क्या करते हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो या सेल करना चाहते हैं तो हम उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिंपली। गाइस ये सबसे बेकार तरीका है, इसको ऐसे मत करिए, आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करिए। आइडिया लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए, बट उससे आइडिया लेकर उसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ अपना बनाइए गाइस। और इसमें किस तरह से आपने टाइटल लिखना है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करूँगा जिससे वीडियो और लंबी हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आराम से देख सकते हैं और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को किस तरह से यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली बना सकते हैं और उसमें कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स है वो प्रोडक्ट पेज पे ही है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उसी के सबसे लास्ट में आके आपको यहाँ पे एडिट वेबसाइट SEO का ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, जो सर्च इंजन में हमारी ये जो लिस्टिंग है, ये जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, इसको किस तरह से शो करेगा, ये उस चीज़ की सेटिंग है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एडिट करके, ठीक है। तो जो ये टाइटल है ये कीवर्ड रिच होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमने टॉप पे टाइटल लिखा था यहाँ पर ये वाला, ये उसी को कॉपी कर लेता है। बट आपने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके अपना कीवर्ड इसमें ज़रूर डालना है, ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिर्फ डाल दिया है। आपने डिस्क्रिप्शन इस तरह से इतनी बड़ी आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है, आपको 320 वर्ड्स की ज़रूरत है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसको चक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाइए जिसमें आपके कीवर्ड भी हो, तो 320 वर्ड यूज़ कर सकते हो, 300 वर्ड आप यूज़ करिए यहाँ पे। अब देखिएगा URL जो हैंडल्स है इसमें भी आप कीवर्ड है वो यूज़ करने हैं,
तो अपने कीवर्ड जरूर यहाँ पे डालिए, और एक उसके साथ जेनरिक कीवर्ड। जेनरिक कीवर्ड क्या होता है कि एक होता है स्पेसिफिक, जो आपके प्रोडक्ट को स्पेसिफिक बनाता है, एक होता है जेनरिक कि वो क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल वो शर्ट है, टी शर्ट है, फुटवेयर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं एस हटाता हूँ उसका, तो यहाँ पे ये वाली सेटिंग शो करता है रीडायरेक्शन वाली, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा चेक मार्क को, तब ये वाला जो आपका कह सकते हो आपका URL है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही हो जाएगा। तो इसको फिर यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा, तो ये वाली सेटिंग भी आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने Shopify वेबसाइट के लिए या अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दे गाइज, आपके एक लाइक से मुझे बड़ा फीडबैक मिलता है, ठीक है गाइज। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कोई और पॉइंट आपके माइंड में अगर आ रहा है तो वो आप ऑप्शन में बता सकते हैं, हम उसमें फ्यूचर में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा 6th पॉइंट है कि आप अपने होम पेज पे एक इस तरह का अपना स्टोर और प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं। गाइज होम पेज पे हम जनरली देखते हैं कि लोग ज़्यादातर अपना टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, वहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा शो करते हैं। तो आप अपने होम पेज पे इस तरह का टेक्स्ट पैराग्राफ ज़रूर लिखिए, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने स्टोर से रिलेटेड, और उसमें आप अपने जो टॉप कीवर्ड्स हैं वो इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं बीच बीच में। ज़्यादा कीवर्ड्स मत स्टफिंग करिए गाइस, एक दो जगह ही करिए जहाँ पर आपको लगता है कि इस कीवर्ड की वर्थ है, वहीं पे उसको यूज़ करिए। और इस तरह से आप अपना पैराग्राफ लिख के, अपनी एक इमेज लगा के, और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं गाइस, और आपका जो कस्टमर है वो भी अट्रैक्ट होता है, और साथ में ही आपके SEO के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। तो आप बेशक इतना मतलब प्रोफेशनल नाम बनाइए इसको, बट एक सिंपल पैराग्राफ आप ज़रूर लिख सकते हैं, और सिंपल पैराग्राफ से ही आप शुरुआत करिए, और उसमें अपना एक बेस्ट कीवर्ड जरूर डालिए। ओके गाइस, जो अब हमारा 7th पॉइंट है वो है प्रोडक्ट इमेजेस। या आपने जो भी अपनी वेबसाइट पर बैनर लगाए हैं या किसी भी तरह का कोई इमेजेस लगाए हैं तो वो आपके द्वारा बनाया होना चाहिए, आपके द्वारा वो खींचा हुआ होना चाहिए, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोग दूसरी वेबसाइट से प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं, जो एक स्टार्टिंग दौर के लिए मैं कह सकता हूँ ठीक भी है और आप कर सकते हैं, बट आप मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी खुद करें, या आप किसी प्रोफेशनल से अपनी फ़ोटोग्राफी करवा लीजिए, और वो फ़ोटोज़ में जो भी छोटे छोटे डिटेल है उसको हाईलाइट करके अपनी वेबसाइट पर डालिए गाइस। क्योंकि कोई भी कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है गाइस, तो वो आपके प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहता है, ठीक है। तो जब आप उसको डिटेल दिखाएंगे तो उसका ट्रस्ट आपकी वेबसाइट पे भी बढ़ेगा, और वो आपके प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही जैसे गूगल जो प्लेटफॉर्म है या फेसबुक प्लेटफॉर्म है, जब हम वहाँ पे अपने एड्स रन करते हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे शो होते हैं, ठीक है गाइस, तो उसकी जो इमेज क्वालिटी दिखेगी, और उसमें वो डिफरेंट तरीके से जब क्लिक किया होगा तो कस्टमर ऑटोमेटिक उस पर क्लिक करता है, क्योंकि बाकी जो सेलर होते हैं या वेबसाइट होती है, उन्होंने जनरली कॉपी किया होता है, डाउनलोड करके कॉपी किया होता है वो सेम ही प्रोडक्ट, तो वो सेम ही एड में शो होता है। पर अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होएगा तो उसमें क्लिक के चांस बढ़ जाते हैं, और गूगल भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको पुश करता है, क्योंकि वो अदर जो सिमिलर प्रोडक्ट है उनसे थोड़ा हटके दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी फ़ोटोग्राफी आपने खुद की होती है। गाइज, अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रीमियम थीम और प्रॉपर FB चैनल के साथ सेटअप करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, मैं वहां आपको बाकी डिटेल्स एंड सर्विस फीस बता दूंगा। ओके गाइज, अब इमेज के पॉइंट के साथ ही जो हमारा 8th पॉइंट है वो यही है कि आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस है या आपका कोई भी इमेज आप जब अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, ठीक है गाइज, तो उसमें आप अपना एक ऑल्ट जो जिसे हम कहते हैं ऑल टेक्स्ट जरूर लगाइए उसमें गाइस। ये देखिए एडिट ऑल टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट लगाया है। ऑल टेक्स्ट क्या होता है गाइस, जो आपकी पिक्चर के बारे में आपके सर्च इंजन को, ठीक है, बताता है। अपने होम पेज पे बैनर बनाते हैं वहाँ पे आप अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट गाइस बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द टाइम जैसे जैसे आपकी वेबसाइट लिस्ट होती रहती है तो जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट को इन्हीं ऑल टेक्स्ट से पहचानना शुरू कर देता है और उन्हें पुश करना शुरू कर देता है। तो आप कोई भी इमेजेस डालिए उसमें शॉपिफाई में आपको हमेशा ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ पे भी आप इमेजेस डालेंगे, अपने लोगों में भी आप ऑल टेक्स्ट डाल सकते हैं,
बैनर्स में डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स इमेजेस में आप ऑल टेक्स्ट डालिए। ओके गाइस, अब हमारा 9th पॉइंट है ऑनलाइन स्टोर स्पीड। यस गाइस, आपके स्टोर की जो स्पीड है, खासकर मोबाइल पर आपकी वेबसाइट की स्पीड की, तो अच्छी स्पीड वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको सर्च इंजन पुश करते ही हैं, ये हमें पता है। और शॉपिफाई में अगर देखा जाए तो अगर आपकी वेबसाइट स्पीड 45 प्लस है तो ठीक है, और अगर उससे कम है तो आपको अपने वेबसाइट के कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस और अनयूज्ड ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। जो अनयूज्ड ऐप्स है उनको आप डिलीट कर दीजिए, बाकी इमेज वीडियो का साइज़ आप रिड्यूस कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करके आप दोबारा से उनको अपलोड कर दीजिए, जिससे कि आपके जो वेबसाइट पे लोड है वो कम पड़ेगा और आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। और गाइज, अगर आपको एक बढ़िया स्पीड वाली और बेस्ट कस्टमाइजेशन वाली थीम चाहिए तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं वही थीम यूज़ करता हूँ। और हमारा लास्ट और 10th पॉइंट है, अपने स्टोर पे आप अपने रिव्यू, आप अपनी वेबसाइट पे रिव्यू सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। आप एक अपनी रिव्यू ऐप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, या शॉपिफाई की भी एक अपनी फ्री रिव्यू ऐप है, उसके द्वारा भी आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ले सकते हैं, जिससे आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है, और ट्रस्ट करता भी है जो नया प्रोडक्ट, नए यूज़र्स आपके वेबसाइट पे आते हैं। साथ ही साथ जो सर्च इंजन होते हैं वो भी आपकी वेबसाइट को एक लेजिट वे में देखते हैं, क्योंकि जो रिव्यू होता है वो एक कस्टमर फ्रेंडली माना जाता है, और जो सर्च इंजन है वो कस्टमर ट्रांसपेरेंसी को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए आप अपनी वेबसाइट पे रिव्यू सिस्टम का ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपका बिजनेस आप लंबा चलाना चाहते हैं और आपका बिजनेस एक एस्टैब्लिश बिजनेस है आप, तो आप अपने रिव्यू ऐप जरूर यूज़ करिए। और अगर आप अभी बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है आपके प्रोडक्ट में कैसा है, क्या सिस्टम है, तो आप कुछ टाइम के लिए उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में अगर अच्छा मतलब वो आपको रिजल्ट दे रहा है तो उसमें आप रिव्यूज़ का ज़रूर यूज़ करिए, जिससे कि आपके कस्टमर ट्रस्ट के साथ साथ आपका गूगल ट्रस्ट भी आप कह सकते हो एक किस्म से बढ़ जाएगा। और अगर आप अपने वेबसाइट पे प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए सोच रहे हो तो इस बैच को किस तरह से लगाते हैं इस वीडियो में देखें।